तो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल है इसके अंदर, और अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल के साथ ये स्टॉक हाई राइज बनाते हुए अपने आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अभी ये स्टॉक लोग अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के अराउंड अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है डिलीवरी लिमिटेड और स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेरिश साइड में दिख रहा था हम लोगों को, और अभी ऐसा क्या हो गया दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मुझे एक बुलिश साइड नजर आ रही है। मैं हर एक चीज आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर मैं अपने ट्रैपिंग लेवल्स के बारे में बात करता हूँ। ट्रैपिंग लेवल को अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ट्रैपिंग लेवल में किस तरीके से प्लॉट करता हूँ दोस्तों, आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना दोस्तों ये एक ट्रैपिंग लेवल है, और यहाँ पे अगर डाउन साइड में अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये एक ट्रैपिंग लेवल है। तो इसी तरीके की ये मंथली चार्ट है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में, डेली में हो गया है सॉरी, वीकली अगर टाइम फ्रेम कंटिन्यू इसके अंदर मैं आप लोगों को प्लॉट करते हुए दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं दोस्तों मंथली के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों इसमें एंट्री का प्लान कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल रिवर्सर का साइन मुझे लगा दिख रहा है इसके अंदर, और स्टॉप लॉस भी इसके अंदर मेरा बहुत छोटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में टारगेट बहुत बड़े निकाल के दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम में ट्रैपिंग लेवल का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं हर एक चीज में आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रैपिंग लेवल को। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो ट्रैपिंग लेवल किस तरीके का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, और उसने ब्रेकडाउन करते ही साथ क्या किया, उसके अंदर फिर से एक ट्वीजर बॉटम है दोस्तों, ट्वीजर बॉटम बनाया, और उसके बाद में फिर ये अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया। मतलब ट्रैपिंग लेवल के बाद, ब्रेकडाउन के बाद इसने 500 रुपए से ऑलमोस्ट 710 रुपए तक के इसने टारगेट दिखा दिया। फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसने क्या किया, ट्रैपिंग लेवल के नीचे कंसोलिडेट किया, नीचे कंसोलिडेट किया, बहुत सारे लोगों ने इसको शॉर्ट किया होगा, और फिर इसने अपर साइड की मोमेंटम दिखा दी 600 रुपए तक के टारगेट, ऑलमोस्ट 550 से 600, 10% की अपर साइड। फिर इसने क्या किया, ट्रैपिंग लेवल का ब्रेकडाउन किया। मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बताया ट्रैपिंग लेवल से स्पाइक आता है, देख सकते हो दोस्तों किस तरीके का स्पाइक आया। अगर आप लोग अभी देखोगे तो मुझे ये काइंड ऑफ डबल बॉटम ये स्टॉक के अंदर दिख रहा है। डबल बॉटम क्यों दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को ना एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है देखने के लिए, और बुलिश डाइवर्जेंस बहुत कम ही स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलता है। मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ बुलिश डाइवर्जेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो वीकली टाइम फ्रेम है इसके अंदर ये बुलिश डाइवर्जेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं इसके अंदर। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों ये सपोर्ट्स को इसने ब्रेकडाउन किया है, जो ट्रैपिंग लेवल है उसको इसने ब्रेकडाउन किया, और इसने फिर से इसके अंदर घुस चुका है। और अगर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के दिखाओ तो ये 400 वाली इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसके अंदर देखूं मैं तो ये वाली। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर पोजीशन लगा के बताता हूँ किस तरीके से इसके अंदर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। 304 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट्स ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सेफ साइड खेलना है तो मैं 500 रुपये तक के टारगेट्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर ना एक ट्रेंड लाइन भी मुझे फॉलो होते हुए दिख रही है, देख सकते हो ये वाले ट्रेंड लाइन, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के अराउंड ही हमारा टारगेट प्लेस हो रहा है, देख सकते हो। और इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को पता है, देख लोगे आप लोग किस तरीके से इसने ये वाला देख सकते हो, ये क्या है, ट्रैपिंग लेवल है। ट्रैपिंग लेवल के अराउंड इसने क्या किया था आप लोगों को मैं हर एक चीज बताऊंगा डिटेल में, ताकि आप देखो सीखो समझो और मार्केट के अंदर क्या बनो, आप चैंपियन बनो दोस्तों, चैंपियन। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक मॉर्निंग स्टार टाइप बनाया, मॉर्निंग स्टार टाइप बनाते हुए हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने एंट्री ली होती दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर एंट्री ली होती कितने बड़े इसने ट्रैपिंग लेवल से स्पाइक कितने बड़े दिखा दिया दोस्तों। टारगेट बड़े नहीं होते दोस्तों, हमारा को हमारी प्रोजेक्शन ठीक तरीके से होनी चाहिए। देख सकते हो इसने यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 40% तक के अपर साइड दिखा दी। फिर मैंने आपको बताया ट्रैपिंग लेवल पे इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया नीचे, फिर अपर साइड, फिर जैसे इसने डाउन साइड में होल्ड किया देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक। मैंने आपको बताया है कि हर एक वीडियो के अंदर बताया कि किस किस तरीके से स्पाइक ये दिखाता है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया इसने, ब्रेकआउट किया इस कैंडल का अपने ट्रैपिंग लेवल का, ब्रेकआउट करते साथ रिटेस्ट किया, नीचे गया है, बुल्स को यहाँ पे ट्रैप किया होगा इसने, और फिर अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। और अपना जो प्रीवियस स्विंग था दोस्तों, प्रीवियस स्विंग अगर मैं आप लोगों को इसका बताऊँ तो ये वाला इसका प्रीवियस स्विंग था, इसने इसका वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम की स्पाइक अगर आप लोग देखो तो हम लोगों को करना क्या है, मैंने एंट्री एक्जैक्टली यही पे बताई आपको, कहीं ना कहीं 350-360 वाला एरिया आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है ना ऑल टाइम लो के अराउंड है, बहुत सेफ स्टॉप लॉस है। अगर आप लोगों को छोटा करना है तो 330 का भी आप लोग स्टॉप लॉस 10% का लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 304 का ही स्टॉप लॉस इसके अंदर प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। और अगर आप लोग देखोगे तो इसका हमारा टारगेट कितना निकल के आ रहा है, मैंने आपको बताया है टारगेट आप लोगों के इसी लेवल के अराउंड अराउंड निकल के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 के लेवल के अराउंड। और अगर आप लोगों को सेफर साइड खेलना है तो आप लोग ये भी टारगेट रख सकते हो, लेकिन मैं यही टारगेट के आसपास प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा आर आर वहीं पे फेवरेबल बैठ रहा है, मैं 1:2 के ऊपर ही प्लान करता हूँ, और मेरा 1:2 का आर आर इसी के आसपास बैठ रहा है दोस्तों।
दोस्तों, जो स्टॉक के अंदर से लोगों की होप निकल जाती है ना कि बॉस ये स्टॉक ऊपर नहीं आएगा, इसके अंदर से निकलना चाहिए, दोस्तों उसी स्टॉक के अंदर हम लोगों को घुसना है। क्योंकि ना मार्केट वही करता है, क्या करता है, जहां पे से मार्केट को नीचे गिरना है वहां से ऊपर आता है, और वहां से लोगों को दिखाता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, वहां से ऊपर आ जाता है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने किस तरीके की और एक ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए दिख रही है मुझे, देख सकते हो। ये जो छोटी ट्रेंड लाइन है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये देख सकते हो बड़ी ट्रेंड लाइन किस तरीके से इसने, ये जो चैनल है ना दोस्तों, एग्जैक्टली इसी का इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है इसी ने, इसने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन का देख सकते हो प्रॉपरली। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो प्रॉपरली ये देख सकते हो इसने इसका क्या किया है, सपोर्ट लिया, यहीं पे डबल बॉटम बनाया, और यहीं से इसी चैनल को मे भी ये टेस्ट कर सकता है। इसलिए मैं ये वाला स्विंग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, मे भी ऊपर जाने के पहले ये लोगों को भी स्टॉप लॉस खा सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। इसलिए मेरे को ना अपना स्टॉप लॉस एकदम सेफ रखना है 305 के अराउंड। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये अपर साइड वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक कि मैं टारगेट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में। जब भी दोस्तों इसके अंदर टारगेट आने वाले टाइम में टारगेट अपने हिट हो जाएंगे ना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और आप लोगों को मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया कि आप लोगों को किस तरीके से टारगेट्स को सेट करते चलना है। सबसे पहले आप लोगों को इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड अलर्ट करना है, और अलर्ट इसके अंदर सेट करके रखना है हर एक अलर्ट के ऊपर। क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं रहेगा दोस्तों जब मार्केट यहाँ पे चले जाएगा, और आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर सिंपली आप लोग यहाँ पे अज्यूम करो आप लोग 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 क्वांटिटी आपकी एग्जिट करना है, प्रॉफिट्स को लॉक करना है दोस्तों। प्रॉफिट्स को अगर आप लोग लॉक करोगे तो ही आगे मार्केट में टिकोगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 30 क्वांटिटी एग्जिट करना है, और रिमेनिंग जैसे अपने को ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए दिखेगा ना, वहाँ पे अपने को पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को किस तरीके से एग्जिट करना है, क्या आपका प्लान होने वाला है, और किस तरीके से आप लोगों को अपने क्वांटिटी को एग्जिट करते हुए चलना है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो अपना ये क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को प्राइस लेवल लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैं एंट्री का प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। ये क्या होने वाली है, अपनी एंट्री प्राइस होने वाली है। फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे अपना क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट होने वाला है दोस्तों, T1 अपना फर्स्ट टारगेट होने वाला है, यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट होने वाला है, और फाइनल टारगेट ये ट्रेंड लाइन होने वाली है दोस्तों। जैसे ये ट्रेंड लाइन के आसपास चला जाएगा ना, अपने को अपने प्रॉफिट्स को एग्जिट करना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है, और अपना माल जो भी है डिलीवरी लिमिटेड का जितना भी माल अपने डीमैट में पड़ा हुआ है पूरा अपने को अपलोड करना है वहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरीके की प्रीमियम ऑनलाइन आप लोग डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप लोग मार्केट को देखिए, सीखिए, समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग आपके पास हजारों लाखों पे लेते हुए दोस्तों, और इस तरीके का प्रीमियम ज्ञान देते हैं आप लोगों को, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए, और मिलते हैं वीडियो अगले वीडियो में। जय हिंद।